वेलकम गाइस एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी क्लॉक्स। आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो क्या है हम लोग के लिए, क्लॉक्स। और बहुत ही कॉमनली हम लोग के पास हायर लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा जाता है। ओके, तो हम लोग आते हैं सबसे पहले हमारे पास कुछ पॉइंट्स पे दैट वी नीड टू रिमेम्बर सम टिप्स। ओके, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास दो हैंड्स होते हैं क्लॉक में। जो मेन हैंड्स है हमारे पास, एक मिनट हैंड होता है और दूसरा कौन सा होता है, आर हैंड। सो दो हैंड्स है मेन हम लोग के पास, That is hour hand and minute hand. वैसे second hand भी होता है हम लोग के पास, लेकिन हम लोग अभी उसको consider नहीं कर रहे, हम लोग दो को ही consider कर रहे, minute hand as well as hour hand. अब अगर हम लोग बात करें angle traced, वो कितना चलते हैं, ओके, तो हम लोग बात करेंगे। तब सबसे पहले जो मिनट हैंड होता है वो हमारे पास अगर 12 से शुरू करता है तो वापस एक घंटे बाद लौट के कहां पर आ जाता है, दोबारा वो 12 पर ही आ जाता है एक घंटे बाद। मिनट हैंड लाइक एक बजे से शुरू करेगा तो एक बजे मिनट हैंड कितने पर होगा, 12 पर होगा, और आर हैंड कितने पर होगा, 1 पर होगा। और जब 2 o'clock हो जाएगा एक घंटे बाद, तब मिनट हैंड दोबारा से लौट के कहां पर आ जाएगा, 12 पर, और आर हैंड कहां आ जाएगा, 2 पर। ओके, तो ये हम लोग के पास अगर हम लोग देखें आर हैंड एक घंटे में 12 to 12 पूरा रोटेशन कंप्लीट कर लेता है हमारे पास, कौन सा, मिनट हैंड 12 से लौट कर कहां पर आ जाता है, 12 पर, कितने में, 1 hour में। ओके, 1 hour में, विच मीन्स उसने पूरा सर्किल कवर कर लिया, विच मीन्स कितना डिग्री उसने कवर कर लिया, 360 डिग्री उसने कवर कर लिया, 12 से लौट के वापस पूरा 12 बना लिया, पूरा 360 डिग्री का एंगल कवर कर लिया, कितने टाइम में, 1 hour में। अब अगर हम लोग बात करें हमारे पास 1 minute में, हमारे पास मिनट हैंड कितना कवर करेगा, जब उसने 1 hour में 360 डिग्री बना लिया हमारे पास, तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में मिनट कितने होंगे, एक घंटे में मिनट होंगे कितने, 60। ओके, तो 60 डिवाइडेड बाय 360 डिवाइडेड बाय 60, तो कितना हो गया हमारे पास, पर मिनट कितना आएगा, एक मिनट में कितना डिग्री का एंगल कवर करेगा वो, 6 डिग्री का। तो मिनट हैंड 1 hour में कितना डिग्री कवर करता है, 360 डिग्री, और 1 minute में कितना कवर करता है, 6 डिग्री। ओके, तो इन दो चीजों को आपको याद रखना है हमारे पास। अब आते हैं हम लोग हमारे आर हैंड पर। आर हैंड जो है हमारे पास वो एक घंटे में, 1 hour में, अभी मैंने इससे पहला एग्जांपल दिया था कि आर हैंड जो होगा अगर एक घंटे में 1 से स्टार्ट करेगा तो एक घंटे बाद वो किस पर आएगा, 2 पर, विच मींस अगर हम लोग बात करें तो एक घंटे में वो खाली कितने डिग्री कवर करता है, वो कवर करता है खाली कितना, 30 डिग्री। एक घंटे में आर हैंड कितना कवर कर रहा है, एक घंटे में आर हैंड कवर कर रहा है कितना, ओनली 30 डिग्री, क्योंकि हमारे पास 3 hours में कितना होता है, 90 डिग्री। 3 hours की बात करेंगे अगर हम लोग, तो हम लोग देखें 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा 3 hours से, 12 से लेकर 3 तक, तो 1 hour में कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। ओके, तो हम लोग देखें 1 hour में 30 डिग्री हो गया, तो 1 minute में आर हैंड कितना कवर करेगा, एक घंटे में तो 1 से 2 आ पाया, सिर्फ 30 डिग्री कर पाया है, तो आर हैंड 1 minute में कितना करेगा, एक, अगर हम बात करें 1 hour में अगेन कितने हम लोग के पास मिनट्स होते हैं, 1 hour में 60 मिनट्स होते हैं। जब हम लोगों ने इसको भी 60 से डिवाइड करा तो कितना आ गया हम लोग के लिए, तो आ गया हम लोग के लिए कितना, हाफ डिग्री। जो आर हैंड होगा वो 1 minute में कितना कवर करेगा, वो हाफ डिग्री कवर करेगा हमारे पास। तो इन दो पॉइंट्स को आपको याद रखना है कि मिनट हैंड 1 minute में कितना डिग्री चलता है, 6 डिग्री, और आर हैंड 1 minute में कितना डिग्री चलता है, हाफ डिग्री। 1 hour में मिनट हैंड कितना चलता है, 360 डिग्री। 1 hour में आर हैंड कितना चलेगा, ओनली 30 डिग्री। तो ये दो पॉइंट्स हैं शुरू में जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग देखते हैं हमारे पास इसका नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट 2 क्या है, गेन ऑफ मिनट हैंड MH मिनट हैंड ओवर एन आर हैंड HH आर हैंड इन अ मिनट। एक मिनट में मिनट हैंड हमारे पास कितना गेन करेगी, किसके ऊपर, आर हैंड के ऊपर। एक मिनट में अगर हम लोग बात करें, पहले एक आर की बात करें, एक आर में हमारे पास कितने मिनट्स होते हैं, एक आर में हमारे लिए कितने मिनट्स होंगे, 60 मिनट्स होंगे। और अगर गेन देखें, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि वो पूरा 60 मिनट चलेगी मिनट हैंड, और आर हैंड खाली कितना करेगी, 1 से लेकर 2 तक कवर, विच मीन सिर्फ 5 मिनट। तो कितना गेन हो जाएगा, 60 में से खाली उसने 5 चलाया तो कितना गेन है, 55। तो अगर हम लोग बात करें जो मिनट हैंड का गेन होगा आर हैंड के ऊपर एक मिनट में पर मिनट के अकॉर्डिंग, दैट इज 60/55। या अगर मैं इसको और शॉर्ट करना चाहूं तो ये सिंप्लीफाई करके और कितना कह सकते हैं हम लोग, 12/11। ये हमारे पास किसका गेन है, ये मिनट हैंड का गेन है ओवर द आर हैंड इन 1 मिनट। ओके, दिस इज अवर पॉइंट 2। अब हम लोग अपने लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर। फर्स्ट पॉइंट, कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब क्या है, जब दोनों एक जगह पर होंगी, कैसे, जैसे कि 12 बजता है
जब 12 बजता है तो दोनों हैंड्स हमारे पास, मिनट हैंड एज वेल एज आर हैंड, दोनों कैसे होते हैं, एक ही जगह पर होते हैं, तो दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होता, दोनों के बीच में जरा सा भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसलिए अगर हम लोग बात करें एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन हैंड्स, जब 12 बजेंगे तो दोनों हैंड्स के बीच में क्या कोई एंगुलर डिस्टेंस होगा, कोई एंगुलर डिस्टेंस नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज 0 डिग्री। मिनट स्पेस बिटवीन हैंड्स, क्या इन दोनों के बीच में कितने मिनट का स्पेस है, नो, दोनों एक ही जगह पे हैं तो दोनों में मिनट स्पेस भी नहीं होगा, विच मींस कैसा हो गया, मिनट स्पेस भी 0। ओके, अब अगर हम लोग बात करें कोइंसाइड, हमारे पास 12 वाट्स 12 घंटे होते हैं, ओके, एक से लेकर 12 तक जब हम लोग बात करेंगे तो 12 घंटे में कितनी बार ये हैंड्स आपस में कोइंसाइड करेंगे हमारे पास, तो 12 आवर्स में ये हैंड्स कितनी बार कोइंसाइड करेंगे, 12 आवर्स में ये हैंड्स कितनी बार कोइंसाइड करने वाले हैं, ये हैंड्स कोइंसाइड करने वाले कितने टाइम्स, 11 टाइम्स। ओके, व्हिच मींस 11 बार हैंड्स जो है एक दूसरे के हमारे पास बिल्कुल साथ में होंगे, 12 घंटे में 11 बार ऐसा मौके आएंगे। ओके, अब हम लोग आते हैं हमारे पास सेकंड पॉइंट पर, ऑपोजिट डायरेक्शन, कितनी ऐसी बार होगा कि दोनों हैंड्स आपस में क्या होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। जैसे कि यहां पर हमारे पास देखें एक 6 o'clock पर, जैसे हम लोग के पास ऑपोजिट डायरेक्शन शो कर रहा होता है, एक हम लोग के पास क्या नॉर्थ डायरेक्शन शो कर रहा है हमारे पास, और एक हम लोग के पास क्या डायरेक्शन शो कर रहा है, साउथ, विच मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन शो करेंगे, दोनों ऑपोजिट साइड्स में होंगे हमारे पास। तो हम लोग आते हैं पहले एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन हैंड्स, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन है, विच मींस क्या है, ये हमारे लिए स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, दोनों का एंगुलर डिस्टेंस कितना है, 180 डिग्री, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, सो स्ट्रेट एंगल कितने का होगा, 180 डिग्री का होगा हमारे पास। अगर मिनट्स में देखें तो दोनों के बीच में कितने मिनट्स का गैप है, 12 से लेकर 6 तक, ओके, 12 से लेकर 6 तक कितने मिनट्स हो जाएंगे, दोनों के बीच में गैप है कितने मिनट का, दोनों के बीच में गैप है कितने मिनट का, मिनट स्पेस बिटवीन हैंड्स दैट इज कितना मिनट हो गया, 30 मिनट्स का दोनों के बीच में गैप है। ओके, आते हैं हमारे पास लास्ट पॉइंट पर। ओके, पहले उससे पहले एक पॉइंट और देखते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम लोग बात करें तो 12 आवर्स में कितनी बार ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ओके, अगर हम लोग बात करें 12 आवर्स में ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन में कितनी बार होंगे, ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन में कितने टाइम्स होंगे, 11 टाइम्स होंगे। ओके, विच मीन्स हमारे पास ये लोग स्ट्रेट लाइन बनाएंगे कितनी बार, 11 टाइम्स इन 12 आवर, हर घंटे में एक बार। ओके, तो हमारे पास ये सिर्फ एक 6 ऐसा होगा जो कि हमारे पास किसके बीच में कॉमन होगा, जो 5, 6 एंड 6, 7 दोनों में कॉमन होगा, इसलिए एक कम हो जाएगा। यहां पर भी हमारे पास क्या 12 कॉमन होगा हमारे लिए, जो 11 टू 12 एंड 12 टू 1 में दोनों के बीच में एक ही बार कवर होगा। ओके, अब आते हैं लास्ट में हमारे पास किस पर, राइट एंगल फॉर्मेशन। ओके, कितनी बार वो लोग राइट एंगल बनाएंगे इस तरीके से, हमारे पास 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनाएंगे, तो दोनों हैंड्स के बीच में जब राइट एंगल बनेगा तो कितने डिग्री का एंगुलर डिफरेंस होगा, वो हमारे पास होगा कितने डिग्री का, 90 डिग्री। राइट एंगल है तो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। मिनट स्पेस बिटवीन हैंड, अब अगर देखें दोनों के बीच में मिनट स्पेस कितना है, 12 से 3 के बीच में कितना मिनट है, 15 मिनट्स का होगा हमारे पास, तो ये कितना हो जाता है, ये हो गया हम लोग के लिए कितना, 15 मिनट्स हम लोग के लिए। ओके, आते हैं लास्ट पॉइंट पर, राइट एंगल के क्या है हम लोग के लिए, अगर हम लोग बात करें तो 12 आवर्स में कितनी बार राइट एंगल बनेगा, 12 आवर्स में हमारे पास कितनी बार, 22 टाइम्स राइट एंगल बनेगा, विच मींस हर आवर में कितनी बार, 2 टाइम्स राइट एंगल बनेगा, हर आर में एक बार कंसाइड करेगा, एक बार ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, लेकिन राइट एंगल कितनी बार बनाएगा, 2 टाइम्स बनाएगा राइट एंगल एक आर में हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 3 एक ऐसा होगा जो हमारे पास 2 to 3 and 3 to 4 दोनों में कॉमन रहेगा एक बार, ऐसे ही जब 9 पर राइट एंगल बनाएगा तो वो भी हमारे लिए क्या रहेगा, कॉमन रहेगा किसके बीच में, 8 to 9 and 9 to 10, वो दोनों में कवर हो जाएगा, इसलिए हमारे पास 2 कम हो जाएंगे, दैट्स व्हाई इट इज 22 टाइम्स। ओके, तो ये हुए हमारे पास कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो हम लोग आते हैं हमारे पास किस पर, हमारे क्वेश्चंस पर क्लॉक के। ओके, सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मच एंगुलर डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय मिनट हैंड इन अ पीरियड ऑफ 2 hours 20 minutes, क्या देखना है, एंगुलर डिस्टेंस कितना एंगल कवर किया है,
किसने कवर किया है? मिनट हैंड ने कवर किया है, कितने पीरियड में? 2 hours and 20 minutes. ओके, तो सबसे पहले आप लोग को किसका चेक करना है? मिनट हैंड. मिनट हैंड में आप लोग याद कीजिए जो आपको पॉइंट बताया था, क्या 1 minute में हमारे पास मिनट हैंड कितना डिग्री कवर करती है? 1 minute में हमारे पास कितना डिग्री कवर करती है? 6 degree कवर करती है मिनट हैंड एंगल, हमारे पास एंगुलर डिस्टेंस. ओके, अब आते हैं इन लोगों ने हमारे पास कितना दिया है, टाइम पीरियड कितना है? 2 hours 20 minutes. ओके, मुझसे इन लोगों ने पूछा है किसका 2 hours का और किसका 20 minutes का. ओके, तो सबसे पहले 2 hours को मैं क्या करूं, 2 hours को मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूं. 2 hours को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे हमारे पास, तो ये तो आर्स का हो गया, प्लस अभी मिनट्स कितने बाकी हैं. ओके, ये हमारे पास मिनट्स का हो गया. ओके, अब हमारे पास कितना मिनट बाकी है, अगर हम लोग देखें हमारे पास कितने मिनट, आर्स 2 into 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 2 into 60, बाकी मिनट कितने थे 20, तो अगर हम लोग टोटल निकालें हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया 120 plus 20, तो ये हमारे पास कितना हो गया 140. कितना हो गया हमारे पास 140 मिनट्स हो गए. 2 hours 20 minutes का मतलब क्या है, 120 मिनट 2 घंटे के, और हमारे पास 20 मिनट टोटल मिनट्स कितने हो गए, ये टोटल 140 मिनट्स हो गए हमारे पास. अब अगर देखें मिनट हैंड 1 मिनट में कितना कवर करेगी, 1 मिनट में 6 degree कवर करेगी, तो 140 मिनट्स में कितना कवर करेगी हमारे पास, 140 मिनट्स में हर मिनट में कितना चलती है, 6 degree चलती है हर मिनट में हमारे पास. तो हम लोग देखें हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, 14 6 84, तो कितना हो गया हमारे पास, दैट इज 840 degree. तो 2 hours 20 minutes में कितना कवर करेगी मिनट हैंड हम लोग के पास, दैट इज 840 degree कवर करेगी. सो माई आंसर इज ऑप्शन ए 140, ऑप्शन बी 840. सो माई आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 840. ओके, अब हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एंगल ट्रेस्ड बाय आर हैंड. अगेन क्या फाइंड आउट करना है, एंगल किसने कवर किया है, आर हैंड ने कवर किया है बिटवीन 8 to 2 o'clock, कब से लेके कब तक, 8 बजे से लेके 2 बजे तक. ओके, सबसे पहले हम लोग देखें हमारे पास किसकी बात चल रही है, हमारे पास आर हैंड की बात चल रही है. आर हैंड 1 hour में कितना कवर करता है, आर हैंड 1 hour में कितना डिग्री कवर करता है, 30 degree. एंड 1 minute में कितना कवर करता है, 1 minute में कवर करता है कितना, 1/2 degree. ओके, तो ये पॉइंट हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था. अब आते हैं 8 to 2 o'clock, कब से लेके कब तक, 8 बजे से लेके 2 बजे तक. 8 बजे से लेके 2 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे, 8 to 12, 4 घंटे हो गए, एंड 12 to 2, 2 घंटे और हो गए, तो टोटल 8 to 2 कितने आवर्स हो गए हमारे पास, हो गए कितने, 6 hours. तो हमसे पूछा जा रहा है कि 6 hours में आर हैंड कितने डिग्री का एंगल कवर करेगा. ओके, तो हम लोग देखें हमारे पास, अगर देखें 1 hour में कितना डिग्री कवर करता है, 1 hour में 30 degree कवर करता है, तो 6 hours में कितना कवर करेगा हमारे पास, तो अगर हम लोग देखें 6 hours में हमारे पास 1 hour में कितना कर रहा है, 30 degree, तो 6 hours में 6 into 30 कितना डिग्री हो जाएगा हमारे पास, 180 degree कवर करेगा हमारे पास, क्या हमारा, हमारा आर हैंड 180 degree कवर करेगा इन अ पीरियड ऑफ 6 hours. ओके, सो हमारा आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए 180 degree. सो माय आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज 180 degree. सो दीज आर द इजिएस्ट वन, सबसे आसान थे. अब हम लोग थोड़ा लेवल हाई करते हैं हमारे पास इन क्वेश्चंस का, और आते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 7:10. अब दो हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, मिनट हैंड और आर हैंड, मेन टू हैंड्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, कितने बजे, 7:10 पर. ओके, सो फॉर आवर रफ एस्टिमेशन, एक बार आप लोग ये चेक कर लीजिएगा अपने माइंड ही माइंड में कि 7:10 पर अगर हम लोग देखें तो 7 यहां पर होता है हम लोग के पास, और 10 की अगर हम लोग बात करें हम लोग के लिए तो 10 यहां पर होगा, विच मीन्स कुछ इस टाइप का 7:10 पर एंगल होगा हम लोग के लिए, कितने पर, 7:10 पर. ओके, अब हम लोग चेक करते हैं हमारे पास कि वो एक्चुअल में कितना होगा, तो इसके लिए हम लोग मेथड जिसको फॉलो करेंगे इसको आप लोग एक बार गौर से देखिए. ओके, क्या रहेगा हम लोग के पास मेथड, सबसे पहले आप टाइम देखिए, टाइम कितना है, टाइम है 7:10. ओके, टाइम को याद रखना है, तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे इसमें क्या आर हैंड ने कितना कवर किया होगा,
पहले निकालेंगे किसको, आर हैंड को, और बाद में निकालेंगे किसको, मिनट हैंड को, दोनों का हम लोग निकालेंगे। ओके, तो आर हैंड के लिए जो मेरे पास टाइम है दैट इज 7:10, तो आर हैंड में आप दोनों को कंसिडर करेंगे, आर को भी और मिनट्स को भी। आर हैंड में किसको कंसिडर करना है, आर्स को भी, कितने आ रहे हैं, 7 बज रहा है, और मिनट्स कितने, 10 मिनट, दोनों को कवर करेंगे। तो अगर हम लोग देखें आर हैंड 7 आर्स, एक घंटे में आर हैंड कितना कवर करता है, एक घंटे में आर हैंड कितना कवर करता है, ये हम लोगों ने पहले देखा था, दैट इज 30 डिग्री। एक घंटे में आर हैंड कितना कवर कर लेगा, 30 डिग्री कवर कर लेगा हमारे पास। तो हम लोग देखें 7 आर में आर हैंड कितना कवर कर लेगा, तो हमारे पास ये आ गया कितना, 210 डिग्री। अब बाकी कितने बचे, बाकी 10 मिनट और बचे, 10 मिनट, एक मिनट में आर हैंड कितना चलता है, एक मिनट में आर हैंड हाफ डिग्री कवर करता है। तो अगर हम लोग देखें हमारे पास कितना, 10 × 1/2, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 10 × 1/2, दैट इज 5 डिग्री। अगर हम लोग बात करें इसकी, तो ये हमारे लिए कितना हो जाएगा, दैट इज 5 डिग्री। तो टोटल हमारे पास ये कितना चलेगा, 210 + 5, तो हम लोग के लिए कितना हो गया, 215 डिग्री। खाली कौन चल रहा है, कौन सा हैंड चल रहा है, आर हैंड। आर हैंड के लिए फिर से एक बार देखिए कि क्या है, पहले आपको आर्स को देखना है कि आर हैंड ने आर्स में कितना कवर करा होगा। तो देखा 7 आर्स में हर घंटे में 30, तो 210 हो गया। अभी बाकी क्या बचा है, मिनट्स बचे हैं, तो मिनट्स को देखेंगे हम लोग, 10 मिनट्स, एक मिनट में आर हैंड हाफ डिग्री चलता है, तो 10 मिनट्स में हाफ डिग्री से कितना हो जाएगा, 5 डिग्री। दोनों को सम कर लिया तो टोटल कितना हो गया, 215 डिग्री। अब आते हैं हम लोग किस पे, मिनट हैंड पे। मिनट हैंड की अगर बात करें, तो आपको मिनट हैंड में सिर्फ और सिर्फ मिनट कंसीडर करेंगे, आर्स कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि मिनट हैंड की बात चल रही है। मिनट हैंड कितना मिनट चला है, मिनट हैंड खाली 10 मिनट चला है हमारे लिए, तो 10 मिनट। एक मिनट में मिनट हैंड कितना डिग्री चलता है, एक मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री चलता है हम लोग के लिए। तो अगर हम लोग देखें तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 60 डिग्री। तो अगर हम लोग देखें तो ये कितना आ गया हमारे पास, 10 × 6 = 60 डिग्री। अब आप क्या कीजिए, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, दोनों में जो हमारे पास, इसने 250 डिग्री कवर कर लिया और इसने कितना कवर कर लिया, इसने 60 डिग्री कवर कर लिया, दोनों में से माइनस कर दीजिए। आर हैंड की वजह से हमारे पास किसका, मिनट हैंड का, पॉजिटिव नेगेटिव साइन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दे दोनों को, तो हमारे पास कितना आ जाता है, दैट इज 155 डिग्री। ओके, तो 7:10 पर कितने डिग्री का एंगल शो कर रहा होगा, ये एंगल शो कर रहा हो कितने डिग्री का, दैट इज 155 डिग्री। ये जो एंगल होगा ये कितने का होगा, ये 155 डिग्री का एंगल होगा। ओके, तो ये हमारे पास कौन सा हुआ, एंगुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो ऑप्शन देखें, 185, 170, 165 एंड डी 155। आंसर क्या आया, 155। सो ऑप्शन डी इज माय आंसर। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी का, नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 3:30। 3:30 पर कितने डिग्री का एंगल होगा, किसके बीच में, दोनों हैंड्स के बीच में, क्लॉक की, मिनट हैंड के बीच में और आर हैंड के बीच में। ओके, तो जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप लोग क्या करें, टाइम पे फोकस करें, टाइम कितना है 3:30। अब आपको देखना है किसका, आर हैंड ने कितना कवर किया होगा, और दूसरा किसका देखना है आपको, मिनट हैंड ने कितना कवर किया होगा, दोनों का देखना है। आर हैंड में आप दोनों को कंसीडर करेंगे, आर्स को भी मिनट्स को भी। तो सबसे पहले आर हैंड में आर देखते हैं, आर कितने हो गए, 3 आर। तो 3 आर में आर हैंड 1 आर में कितना डिग्री कवर करता है, आर हैंड 1 आर में कितना डिग्री कवर करता है, 30 डिग्री। तो 3 आर्स में कितना कवर कर लेगा, ये 3 आर्स में कवर कर लिया कितना, 90 डिग्री। ये तो आर्स की बात हो गई। अब आते हैं मिनट्स पर। अगर हम लोग देखें 1 मिनट में आर हैंड कितना डिग्री कवर करता है, हाफ डिग्री कवर करता है हमारे पास। ओके, तो अगर हम लोग देखें कितने मिनट से, 30 मिनट से, 30 मिनट इंटू कितना हमारे पास, हाफ डिग्री। ओके, क्योंकि पर मिनट हाफ डिग्री चलेगा, तो 30 मिनट में हाफ डिग्री के अकॉर्डिंग लेंगे। तो अगर हम लोग देखें कितना हो जाएगा हमारे लिए, 90 + 30 × 1/2 = 15। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 15 डिग्री। तो फाइनली अगर हम लोग देखें हमारे लिए कितना आ जाएगा, इसका मेरा आंसर आ जाएगा फाइनली कितना, 105 डिग्री। ओके, 3 आर 30 मिनट में आर हैंड जो कवर करेगा वो कितना करेगा, 105 डिग्री। पहले आपको आर का लेना है, जो हमने निकाला 3 × 30 पर आर के अकॉर्डिंग 90, और फिर मिनट्स का देखना है, 30 × 1/2 डिग्री चलता है तो हमारे पास 15, तो टोटल 105। अब आते हैं मिनट
ओके, मिनट हैंड में आप लोग आर हैंड को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ किसको कंसीडर करेंगे, मिनट हैंड को कंसीडर करेंगे. ओके, तो मिनट हैंड में कितने मिनट्स हुए, 30 मिनट्स हो गए हैं. ओके, पर मिनट, मिनट हैंड कितना डिग्री कवर करती है, एक मिनट में मिनट हैंड कितना, 6 डिग्री कवर करेगी हमारे पास. तो 6 डिग्री हमारे पास कवर करेगी, तो हम लोग देखें कितना हो जाएगा, 30 मिनट में कितना डिग्री कवर कर लेगी, 30 × 6 विच मीन्स कितना डिग्री कवर हो गया ये हम लोग के लिए, ये कवर हो गया हमारा 180 डिग्री. अब मैंने जैसा आपको बताया कि दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस को इग्नोर कर देना है, उससे कोई हमारे आंसर पे फर्क नहीं आएगा. तो आके हम लोग देखते हैं हमारे पास दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, अगर हम लोग देखें 180 - 105 तो कितना डिग्री बच गया, 75 डिग्री. ओके, विच मीन्स 330 पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा, 330 पर दोनों हैंड्स हमारे पास मिलकर कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी, दैट विल बी 75 डिग्री. सो माय आंसर इज ऑप्शन ए, 65 75 85 90. सो माय आंसर इज 75 डिग्री. सो दिस इज हाउ, इस तरीके से हम लोग अपने ये डिफरेंस एंगल्स में हमारे पास जब डिफरेंस होगा तब हम लोग सॉल्व करेंगे. अब हम आते हैं इसके और हायर क्वेश्चन पर, जहां पर हम लोग देखें कब हमारी जो हैंड्स होंगे वो कंसाइड करेंगे, या ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, या फिर वो हमारे पास राइट एंगल बनाएंगे. तो आते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर. एट वॉट टाइम बिटवीन 4 o'clock and 5 o'clock विल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक बी टूगेदर, बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बी एट अ राइट एंगल. तो तीन पार्ट्स हैं यहाँ पर. सबसे पहले पूछा है 4 से लेके 5 बजे के बीच में कब ऐसा होगा कि दोनों हैंड्स एक दूसरे के साथ होंगे, कंसाइड कर रहे होंगे. फर्स्ट वाले में बी टुगेदर, एक साइड कंसाइड करेंगे. बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, कब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन शो कर रहे होंगे, किसके टाइम के बीच में, 4 से 5 के बीच में. और बी एट राइट एंगल, तीसरे पार्ट में पूछा है कौन सा ऐसा टाइम होगा कि वो दोनों किस पर होंगे, राइट एंगल बना रहे होंगे. तो हम लोग वन बाय वन लेंगे हमारे पास. पहले हम लोग लेते हैं कौन सा, बी टुगेदर, कब ऐसा टाइम होगा कि वो कंसाइड करेंगे या दोनों एक साथ होंगे. तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं हमारे पास टाइम, कब से टाइम शुरू हो रहा है हमारे लिए. टाइम शुरू हो रहा है हम लोग के लिए कितने बजे से, टाइम शुरू हो रहा है 4 से हमारे पास, विच मीन्स हम लोग कुछ ऐसे देख सकते हैं, हमारे लिए जो टाइम बिगिन हो रहा है वो 4 बजे से बिगिन हो रहा है, और फाइनली कब एंड हो रहा है, 5 बजे एंड हो रहा है. तो अगर सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट वाला, सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं कब कंसाइड करने वाला, बी टुगेदर वाला, जब ये कंसाइड करेंगे. तो मैंने आपको बताया था जो हमारे पास रेशियो होगा किसका, कि मिनट हैंड गेन करती है किसके ऊपर, आर हैंड के ऊपर, कितने टाइम में, 1 मिनट में, तो वो कितना होता है. तो वो रेशियो आपको याद रखना है इन क्वेश्चंस में, वो हमारे पास रेशियो होता है कितना, 60/55, विच मीन्स हम लोग इन शॉर्ट से क्या कह सकते हैं, 12/11 पर मिनट. जो हमारे पास ये क्या है, ये है गेन ऑफ अ मिनट हैंड ओवर एन आर हैंड इन 1 मिनट. ओके, तो अब हम लोग देखते हैं 4 बजे से जब ये चलना शुरू करेगी तो ये हमारे पास मिनट हैंड इसके पास आने में कितना टाइम लगाएगी. 4 बजे से शुरू करा और ये यहाँ पर 12 पर थी और ये कितने पर है, 4 पर. तो 12 वाले को मिनट हैंड को आर हैंड के पास आने में कितना टाइम लगेगा, अगर आप देखें हमारे पास तो ये कितना होगा, ये कितने मिनट लग जाएंगे इसको इसके बराबर आने में, इसको इसके पास आने में, कंसाइड करने में 20 मिनट लगेंगे हमारे पास. तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे हमारे पास कितना, 20 मिनट्स. ओके, दोनों को एक साथ आने में कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट्स. अब हम लोग उससे आगे देखेंगे क्या, गेन ऑफ अ मिनट हैंड ओवर एन आर हैंड इन 1 मिनट. बाकी आगे हम लोग इसको यूज करेंगे हमारे. तो ये हो गया हम लोग के लिए कितना, 20 मिनट्स का डिफरेंस, कि 12 से इसे 4 तक आने में कितने मिनट्स लग जाएंगे, 20 मिनट्स लग जाएंगे. और अगर हम लोग देखें पर मिनट का जो गेन है मिनट हैंड का ओवर द आर हैंड, जिसको हमने पहले डिस्कस किया था, वो कितना है, 12/11. तो अगर हम लोग देखें हमारे पास 12/11, तो अगर हम लोग इसका मल्टीप्लीकेशन करें तो कितना हो जाएगा, 240/11, और इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें, डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 219/11 मिनट्स. ओके, विच मीन्स ये लोग कितनी देर बाद मिलेंगे, कितनी देर बाद कंसाइड करेंगे, 219/11 मिनट्स के बाद एक दूसरे के साथ होंगे, या दोनों हमारे पास क्या होंगे, सेम डायरेक्शन शो कर रहे होंगे. विच मीन्स हम लोग क्या कह सकते हैं, अवर आंसर इज 4 past 21 9/11 मिनट्स.
ओके okay? तो 4:21 9:11 के बाद हमारे पास क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कंसाइड कर जाएंगे, दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। ओके okay? तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, बी टुगेदर, दोनों कब हम लोग के पास एक साथ होंगे। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे, बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, कब उन दोनों के बीच में ऑपोजिट डायरेक्शन, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो कितना 180 डिग्री का एंगल होगा दोनों के बीच में, 30 मिनट्स का डिफरेंस होगा। ओके okay, तो आप लोग देखते हैं सेकेंड पार्ट, ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए कितना डिग्री का एंगल चाहिए, 180 डिग्री का एंगल, और दोनों के बीच में कितने मिनट्स का डिफरेंस होगा, 30 मिनट्स का डिफरेंस होगा। ओके तो अगर हम लोग देखें यहां पर कितने मिनट का डिफरेंस है, 20 मिनट का डिफरेंस है, 20 मिनट बाद क्या होगा, वो दोनों एक ही जगह पर आ जाएंगे। ओके तो विच मीन्स यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, यहां से यहां तक आने में 20 मिनट लगेंगे, और 20 मिनट बाद वो लोग क्या होंगे, एक साथ होंगे, दे विल बी टुगेदर, लेकिन मुझे टुगेदर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए क्या, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो फिर वहां से वो फिर दोबारा से आगे बढ़ना शुरू करेगा, और वो कहां पर आके बनाएगा हम लोग के लिए, कुछ यहां पर आकर वो हम लोग के लिए क्या बनाएगा, एक स्ट्रेट एंगल बनाएगा हम लोग के लिए, विच मीन्स उसे कितना डिग्री और चलना पड़ेगा, 180 डिग्री और चलना पड़ेगा, विच मीन्स कितना और कवर करना पड़ेगा, उसे 30 मिनट्स और कवर करना पड़ेगा। तो अगेन फिर से देखते हैं, पहले हम लोग गेन देख ले कितना रहता है, जैसा मैंने हमेशा बात की है गेन की, दैट इज 60/55, विच मीन्स ये कितना हो जाएगा, 12/11। ओके तो अगर आप देखें पहले इसको कितना ये चलना पड़ेगा, ये यहां से यहां तक 20 मिनट्स चलना पड़ेगा इसको, और फिर यहां से लेके यहां तक कितना मिनट्स, 30 मिनट्स, तो टोटल कितने मिनट्स हो जाएंगे हमारे लिए, 50 मिनट्स, क्योंकि वो शुरू के 20 मिनट्स में उसके पास पहुंचेगा। अब उससे दूर जाने के लिए, उससे उसके ऑपोजिट एंगल में जाने के लिए, उसे उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए, 180 डिग्री का एंगल बनाने के लिए, ओके कितने मिनट्स का डिफरेंस चाहिए, 30 मिनट्स का, तो बाकी 30 मिनट्स ये हो गए, देन 20+30 टोटल कितने मिनट्स हो गए, 50 मिनट्स हो गए, और हम लोग के पास कितना गेन है, गेन है 12/11 का। तो अगर अब हम लोग देखें हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 600/11, 600/11, आप अगर हम लोग इसको डिवाइड कर ले तो हम लोग देख सकते हैं कितना, 6/5 55, एंड अगेन नेक्स्ट 6/4, देन ये कितना आ जाएगा हम लोग के पास, 54/6/11 मिनट्स। कितनी देर बाद ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, 54 मिनट्स बाद, 6/11 मिनट्स के। ओके तो अगर हम लोग देखें तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 4:54 6/11 मिनट्स। ओके तो ये टाइम होगा जबकि वो दोनों कैसे होंगे, वो दोनों हमारे पास 180 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे, एक स्ट्रेट एंगल शो कर रहे होंगे। सो इट इज 4:54 6/11 मिनट्स व्हेन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, कहां पर होंगे वो, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अब हम लोग मूव करते हैं हमारे सबसे लास्ट पार्ट पर, बी एट अ राइट एंगल, वो लोग राइट एंगल कब शो कर रहे होंगे, तो हम लोग आते हैं थर्ड पार्ट पर, बी एट अ, तो हम लोग देखते हैं हमारा लास्ट पार्ट राइट एंगल। मैंने आपको बताया था कि वन आर में कितनी बार राइट एंगल बनाते हैं, 2 times राइट एंगल बनेगा हमारे पास। तो हम लोग देखते हैं राइट एंगल के लिए कितने डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए, 90 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए, और उसके लिए हमारे पास कितने मिनट्स का डिफरेंस होगा, उसके लिए हमारे पास कितने मिनट्स का डिफरेंस होना चाहिए दोनों हैंड्स के बीच में, दोनों हैंड्स के बीच में 15 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर हम लोग देखें यहां पर दोनों हैंड्स के बीच में कितने मिनट का डिफरेंस है, 20 मिनट्स का डिफरेंस है, तो एक राइट एंगल बनाने के लिए कितने मिनट का डिफरेंस चाहिए, 15 मिनट्स का, यहाँ पे ऑलरेडी कितना है, 20 मिनट्स का। तो पहला राइट एंगल अगर बात करें तो कुछ इस तरीके से बनेगा, तो इसे कितना कवर करना चाहिए, पहले इसे कितना कवर करना पड़ेगा, 5 मिनट्स कवर करना पड़ेगा, तो 4-5 के अराउंड हमारे पास इन दोनों में कितने डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा, 90 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा। तो सबसे पहले कितना, 5 मिनट्स, तो हम लोग देखते हैं पहला हमारे पास ए 5 मिनट्स, पर मिनट का गेन कितना है आपको याद रखना है, दैट इज इनटू 12/11, तो अगर हम लोग बात करें 60/11 तो हमारे लिए कितना हो जाएगा, दैट इज माय आंसर इज 5 5/11 मिनट्स। ओके तो पहला राइट एंगल कब बनेगा, पहला राइट एंगल बनेगा हमारे पास 4 past 5 5/11 मिनट्स पर।
ओके अब अगर देखें हमारे पास इसके बाद दूसरा राइट एंगल कब बनेगा, तो यहां के बाद हमारे पास 90 डिग्री के बाद कम होता जाएगा एंगल, जीरो हो जाएगा हमारे लिए, राइट। तो अगर हम लोग देखें अब उसके बाद फिर दोबारा इन दोनों में कितने मिनट का डिफरेंस होना चाहिए, 15 मिनट का डिफरेंस हो चाहिए 90 डिग्री, तो ये हमारे पास किस पर है, 4 पर। तो हमारे पास यहां से 15 मिनट कितने हो जाएंगे 4 के बाद, 5, 6 एंड 7, ये 15 मिनट हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास दूसरा राइट एंगल जो बनेगा हमारे पास वो कुछ इन तरीके से इन दोनों के बीच बनेगा। फर्स्ट जो बना था वो ये बना था इन दोनों के बीच, अब ये फर्स्ट था और ये हमारे पास सेकंड राइट एंगल बनेगा इन दोनों के बीच। तो अगर आप देखिए ये कहां पर है टाइम, ये टाइम है कितने पर, 35। तो हम लोग देखते हैं हमारे पास बी कितने बजे बनेगा, ये अराउंड 35 मिनट के अराउंड बनेगा। ओके तो उसके बाद मिनट्स का गेन देखिए, मिनट का गेन फिर दोबारा कितना है हमारे पास, मिनट का गेन रहता है हमारे पास कितना, 12/11 मिनट्स। ओके तो अगर हम लोग देखें फिर दोबारा इसको मल्टीप्लाई कर ले, 35 इंटू 12 420 by 11। ओके अब अगर हम लोग इसको फर्दर डिवाइड करें देन 38/2 by 11 मिनट्स। ओके तो कितने बजे दूसरा राइट एंगल बनेगा, दूसरा राइट एंगल बनेगा कितने बजे, 4 past 38 2 by 11, 4:38 2 by 11 मिनट्स पर हमारे पास दूसरा राइट एंगल फॉर्म होगा। पहला हो रहा था 4:05 5/11 पर, सेकंड है 4:38 2 by 11 मिनट्स पर। तो दो राइट एंगल फॉर्म हो गए। ओके एक बार एक पहले यहां पर 4:05 के अराउंड और दूसरा 4:35 के अराउंड, तो कितने पर आ गए, 4:05 by 11 एंड 4:38 2 by 11। ओके तो दो हो गए हमारे पास, दो राइट एंगल फ्रेम होंगे। पहला कितने पर होगा, 4:05 5/11 मिनट्स, एंड दूसरा कब होगा, दूसरा होगा 4:38 2 by 11 मिनट्स। ओके सो दिस विल बी माई आंसर, ये मेरे लिए मेरा क्या होगा, ये मेरे लिए मेरा सही आंसर होगा। ओके सो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट क्लॉक्स, ये हमने देखा बिल्कुल बेसिक्स क्लॉक का, जिसको कि आपको याद रखना है और इसी के बेस पर आपके सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे। सो टिल देन ट्राई दीज क्वेश्चंस, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।